नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन के डिब्बों पर लिखे हुए उस अंक के बारे में, उसका मतलब आखिर होता क्या है। रेलवे में सफ़र करना सबसे आरामदायक माना जाता है, क्योंकि आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो करते समय आप जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। खासकर जब लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो ऐसी स्थिति में तो लोग ट्रेन को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आराम महसूस होता है। आज हम आपको ट्रेन से जुड़ी हुई एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे आप ट्रेनों में कई बार देखे होंगे, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या फिर इसका मतलब क्या है, या फिर यह ट्रेन के बोगियों में क्यों लिखा होता है। तो आज हम आपको ट्रेन के बोगियों में लिखे नंबर के बारे में बताने वाले हैं। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोच में बदलाव करता रहा, जिससे कि यात्रियों के यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी ट्रेनों की जो स्थिति है उसमें वंदे भारत ट्रेन के कोच में बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों की सुविधा मिल सके। और वर्तमान की जो स्थिति है उसमें वंदे भारत ट्रेन, या फिर कह लें कि जितनी भी सेमी हाई स्पीड की ट्रेनें हैं, उसमें जो है सुविधाएँ सबसे बेहतर मिल रही है। तो आज हम आपको ट्रेन के कोच में लिखे नंबर के बारे में बताने वाले हैं। जब आप ट्रेन इंतजार कर रहे होते हैं उस दौरान कई ट्रेनें प्लेटफॉर्म से गुजरती है या फिर खड़ी रहती है। इस दौरान जब कोच पर नंबर लिखा होता है तो आप उसे देख लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस पूरे नंबर का मतलब क्या होता है। उस कोच पर लिखे नंबर का अलग अलग मतलब होता है। उस कोच पर लिखे नंबर पूरे कोच की इतिहास भूगोल बताता है, यानी कि उसकी पूरी हिस्ट्री की जानकारी देता है। किसी भी कोच पर 5 नंबर लिखा होता है, जिसमें कि सबसे पहले के 2 अंक जो होते है वो डिब्बा किस साल में बना है इसके बारे में हमें बताता है, जबकि आखिरी के 3 अंक जो होते हैं वो अलग अलग क्लास के बारे में बताता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये पीछे के 3 अंक की जो स्थिति है वो दर्शाता है। ऐसे में मान लीजिए कि अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझें कि किसी ट्रेन का जो नंबर है वो 04497 है, इसके शुरुआती के जो 2 अंक है वो 04 है, इसका मतलब है कि वह ट्रेन जो बना है, वह कोच जो बना है वह 2004 में बना है। इसके बाद पीछे के जो 3 अंक हैं वो बताते हैं कि किस कैटेगरी का है। इस पूरी कैटेगरी का एक कोड है, उस कोड को हम जानेंगे। मान लीजिए कि आखिरी का जो 3 नंबर है जो लिखा हुआ है वो 001 से लेकर 025 तक है, इसका मतलब है कि एसी फर्स्ट क्लास का वो कोच है, वो कोच की पोजीशन बताता है, हमने पहले ही आपको कहा। उसके बाद जो नंबर है वो 026 से 050 तक है, ये बताता है कि कंपोजिट एसी यानी कि फर्स्ट क्लास एसी प्लस एसी 2 टायर है, ये इसकी स्थिति बताता है। उसके बाद जो नंबर है वह 051 से लेकर 100 तक, ये बताता है कि एसी 2 टायर का यह कोच है। 101 से लेकर 150 तक जो स्थिति है वो बताता है कि एसी 3 टायर है। 101 से 200 तक जो कोच का जो नंबर आएगा, अगर आखिरी का तीसरी, तो वो सीसी यानी कि एसी चेयर यान है। 201 से लेकर 400 तक एसएल यानी कि सेकंड क्लास स्लीपर है, आप वह जो कोच है वो स्लीपर की स्थिति बताता है। 401 से लेकर 600 तक यह जनरल है और सेकेंड क्लास की यात्रा इस कोच में की जाती है। 601 से लेकर 700 तक 2S यानी कि सेकेंड क्लास सीटिंग जन शताब्दी चेयर क्लास की जो ट्रेन है, जो जन शताब्दी की जो कोच है, उसका जो आखिरी का जो 3 नंबर है वो 601 से 700 के बीच का होता है। 701 से 800 तक जो है वो सीटिंग कम लगेज रेक है, जिसमें कि बैठने के साथ साथ आप सामान भी वहाँ पे रख सकते हैं, वो 701 से 800 तक है। 800 से प्लस अगर कोई है तो वो पैंटी कार या फिर जनरल या फिर मेल की ट्रेनें हैं जो इसके तहत आती है। तो हमने आपको बताया कि ट्रेन के बोगियों में जो 5 अंक लिखे होते हैं उसमें शुरुआती जो 2 अंक है वो साल को निर्धारित करता है कि कोच कब बना, ये ट्रेन कब बनी है, और पीछे का जो 2-3 अंक है वो ये बताता है कि कोच का पोजीशन क्या है, यानी कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास टियर है, या फिर यह पेंटी कार है, या फिर स्लीपर क्लास है, या फिर जनरल के डिब्बे हैं। इस तरह से हमने जाना कि कोच पर जो लिखे हुए 5 अंक होते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो ये थी रेलवे से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।